जिस गलती से मेरा भक्त मुझसे दूर हो जाता है, और वो गलती कोई गलती नहीं होती, जिस गलती के कारण मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। तो इसीलिए इंद्र देवता को भगवान ने बड़ी जल्दी माफ कर दिया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों से भगवान की स्तुति की है, फिर भी माफ नहीं करते हैं। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय। अब आगे आप सभी भक्त भागवत कथा के सबसे सुंदर प्रसंग में, भागवत कथा में जो सबसे सुंदर जो प्रसंग है, उस प्रसंग में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है रासलीला। क्या है? रासलीला। और आप रासलीला का श्रवण करें बिल्कुल अपने मन को शांत करके, क्योंकि इस लीला में बड़े ध्यान से श्रवण करने की लीला है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो ये गोपियां हैं, ये जो गोपियां हैं बस हर वक्त भगवान को देखने की चाह रखती हैं, हर वक्त यही सोचती हैं कि कब हमें दर्शन हो भगवान के, हर वक्त बस यही सोचती हैं कि कैसे भी करके बस भगवान के दर्शन हो जाएं। तो रासलीला में भगवान ने सभी गोपियों की इच्छा की पूर्ति की है। आइए एक सुंदर सा भाव श्री राधा रानी रखती हैं, पहले उस भाव को श्रवण करते हैं और फिर अपने मन को शांत करके भगवान श्री कृष्ण की पावन सी लीला रासलीला में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय। तो राधा रानी कहती हैं, हाँ सपने में रात में आयो, सपने में रात में आयो मुरली वाला री। आइए मिलके दोनों हाथ रख के और झूम करके गाना है, उस सपने में, उस सपने में रात में आयो मुरली वाला री, सपने में रात में आयो मुरली वाला री, सपने में रात में आयो पुकारे आ गौरी जमुना किनारे, ओ मुझे पाए बा
जो दीवाने हैं दोनों हाथ उठा के, सबके हाथ नहीं उठे, दोनों हाथ उठा के। तो मेरे दिल में बस गयो शाम जब तुमने माला री। ओ मेरे दिल में बस गयो शाम जब तुमने माला री। ओ मेरे दिल में, ओ मेरे दिल में बस गयो शाम जब तुमने माला री। हो गई शाम दीवानी,
दिल में बस गयो चल चप्पू में डालारी प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव के साथ इस प्रसंग को सुनिएगा।